नोट कर रहे हैं ना आप लोग बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो। सर अच्छा ओके, हो गया। यस स्टेटमेंट लिखो पहले। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लोज लूप का बी डॉट डीएल, मतलब बी कॉस थीटा और डीएल को मल्टीप्लाई करके पूरे लूप में ऐड करना। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल इंटू बी कॉस थीटा, ये वाला अराउंड अ क्लोज लूप, अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू क्लोज लूप म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज लूप, करंट इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज लूप। करंट इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज लूप तो तुम्हें क्या करना, डीएल और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते जाना है पूरे लूप में, उसके बाद सबको ऐड कर दो तो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज बाय दैट क्लोज लूप, जितना उस लूप के अंदर करंट है उसके इक्वल होगा। लिख लिया स्टेटमेंट, एप्लीकेशन देख लो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ
ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, देयर थ्री एप्लीकेशन, देयर थ्री एप्लीकेशन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये तो पहले भी कर चुके हैं लेकिन इसको कई तरीके से किया गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर वायर कैरिंग करंट सेकेंड सोलेनोइड, सुना होगा सोलेनोइड वर्ड, टेंथ में पढ़ा होगा। थर्ड टोरॉइड। तो तीन एप्लीकेशन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड सोलेनोइड, और थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, ये लास्ट टॉपिक टोरॉइड, ठीक है। नाउ तो तीन एप्लीकेशन है, एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है, सोलेनोइड के ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस रहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सोलेनोइड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम वन बाय वन करते हैं, पहले हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये जो लूप ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ये जो लूप हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं एम्पीरियन लूप, हम दो बार मैंने एम्पीरियन लूप यहाँ पे लिखा है, ये जो एम्पीरियन लूप जो होता है ना, देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पीरियन लूप, जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहे हैं दैट, एक सेकेंड बेटा, एम्पीरियन लूप, हाँ एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, लूप में भी रियल और इमेजिनरी, लूप में भी रियल और इमेजिनरी, ओके। लूप शुड बी ड्रॉन इन सच अ मैनर, लूप शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे that at each point on the loop, each point on loop, either electric field is parallel, sorry, either magnetic field is parallel or magnetic field is perpendicular, और मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो आपको एम्पीरियल लूप रियल भी हो सकता है, आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन लूप इस तरह से ड्रॉ करना है कि लूप के हर पॉइंट पे या तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए। ये लिख लो, तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट वन। रिमेंबर क्लियर।
Now come to the first one. First one. Magnetic field due to a straight wire carrying current. So लिख लिया तो मैं स्क्रॉल करूं उसको. यस सर. अच्छा ये देखो जरा. लेट्स से इट्स अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. This is straight wire carrying current. Current. So, आपको ये बात मालूम है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो आपको मालूम है अगर ये करेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ऐसे होता है. तो यहां पे भी कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? कैसे बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जस्ट वेट. ऐसे ड्रॉ किया. मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसके अराउंड. हाँ ठीक है ना. इसके थोड़ा सा इसको मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ओके लाइक दिस वे. नाउ हाँ जस्ट एक मिनट. ओके सो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स लाइक दिस वे. और ये मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस वे. ये लाइक दिस वे. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऐसे ही तो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इस तरह से मैग्नेटिक. तो अब करंट इसमें फ्लो नहीं. मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से आ गया. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है? वो टेंजेंट होता है. इट्स अ टेंजेंट बेसिकली. सो सपोज कर लो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? दैट इज टेंजेंट. या सपोज कर लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल. ये क्या हो जाता है? डीएल. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बिल्कुल इसके टेंजेंट होता है. तो डीएल दोनों पैरल है तो एंगल कितना बनेगा? 0 degree. और आर हम लोग ले लेते हैं दैट इज द रेडियस. ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बन रहा है दैट इज आर. लेकिन सवाल ये है कि आपने एम्पीरियन लूप तो बनाया नहीं. ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ऑल दीज थिंग्स ये तो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. ऑल गुड. तो ध्यान से सुन हम लोग क्या करेंगे ना. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ये हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना एम्पीरियल लूप बना ले. जस्ट हियर. जस्ट वेट. लेट मी मेक इट प्रॉपर. हम लोग क्या करते हैं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस वन इधर, इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना एम्पीरियल लूप हम लोग बना लेते हैं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना एम्पीरियल लूप बना लेते हैं. मतलब ओवरलैप कर देते हैं. तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही अपना एम्पीरियल लूप बना देते हैं. तो लेट मी ड्रॉ एन एम्पीरियल लूप.
तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर ही अपना एम्पिरियन लूप बना देता, मतलब ओवरलैप कर गया दोनों कॉन्साइड कर। तो जो डॉटेड वन से बता रहा हूँ वो एम्पिरियन लूप है, बिल्कुल उसके साथ में चल रहा। तो मैंने क्या किया, उस अपना जो एम्पिरियन लूप था ना वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्साइड कर दिया। तो ये हमारा एम्पिरियन लूप, ठीक है। अब एम्पिरियन लूप में हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमने अपना एम्पिरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के लूप के ऊपर ही बना दिया, ये बात समझा। हमने अपना एम्पिरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के लूप के ऊपर बना दिया, ये बात क्लियर हुआ। हमने अपना एम्पिरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही बना दिया, ठीक है। तो एंगल 0 डिग्री क्यों बन रहा है, समझ में आ रहा है। जो ग्रीन वाला जो है वो एम्पिरियन लूप है, हैं? और जो पर्पल वाला ड्रॉ किया है वो जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने क्या किया, एम्पिरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही बना दिया, तो एंगल 0 डिग्री बन जाएगा ना दोनों के बिटवीन, डीएल और बी के बिटवीन। ये बात समझ में आया, यस बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? प्लीज रिपीट। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो मान लो जैसे ये वायर था, मैं दोबारा अलग से समझा रहा हूँ, डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये सपोज कर लो तुम्हारा करंट था, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दिस वन, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक। ओके, हमने क्या किया, कंडीशन क्या था देखो, ऊपर एम्पिरियन लूप शुड बी रियल और इमेजिन, एम्पिरियन लूप शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच पॉइंट ऑफ द लूप आइदर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और परपेंडिकुलर और जीरो, तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच करेगी तो चलेगा। अब हमें एम्पिरियन लूप ड्रॉ करना था, तो एम्पिरियन लूप ड्रॉ कैसे करो, तो हमने क्या किया, अपना जो एम्पिरियन लूप है ना इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बना दिया, मतलब अपना एम्पिरियन लूप इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बना दिया इसको, लाइक दिस। तो मतलब एम्पिरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों आपस में क्या हो गई, कॉन्साइड कर गई, ठीक है। तो अब अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे डीएल, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो एम्पिरियन लूप जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है ना, वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्साइड कर गया, मैंने उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। मतलब ये सपोज कर लो कि अगर ये तुम्हारा एम्पिरियन लूप था, ये एम्पिरियन लूप है, तो हमने क्या किया, उसी के ऊपर अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी के ऊपर एम्पिरियन लूप भी ड्रॉ कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एम्पिरियन लूप, तो दे आर पैरेलल ना, ये बस समझ में आया। एक्चुअली आपके रूप में एक ही डायग्राम दे रखता है, क्यों, तो ओवरलैप कर जाएगा तो एक ही दिखेगा ना, दो थोड़ी दिखेगा, दो सर्कल को अगर ओवरलैप कर दोगे तो एक ही दिखेगा ना, एक्चुअली वो दो हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही हमने एम्पिरियन लूप बना दिया। कुछ आइडिया लग रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा, जैसी है आर फॉर रेडियस। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज इंक्लोज्ड। तो करंट कितना है, वो तो आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, बी बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 डिग्री इज 1, तो रह जाएगा ओनली dl, दैट इज म्यू नॉट i। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, अगर ये जो एम्पिरियन लूप तुमने ड्रॉ किया है, इधर पाला एम्पिरियन लूप ऐसे ड्रॉ किया है, एम्पिरियन लूप जो ड्रॉ किया है इसका रेडियस क्या है, r। तो अगर तुम सारी लेंथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, दैट वन, तो ये हो जाएगा दैट इज इनटू 2 पाई आर, पूरा लेंथ आ जाएगा ना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो देखो जरा इसको ध्यान से कि हमने 2 पाई आर क्यों लिया, क्योंकि एम्पीरियन लूप पूरा सर्कुलर ड्रॉ किया है, एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्साइड कर रही है, जस्ट ड्रॉ इट। इसमें करंट कितना आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है हमारा दैट इज आई, इसमें करंट आई आ रहा है, सर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर। नाउ तो ये एक्चुअली पहले कर चुके हैं डेरिवेशन, कल ही तो किया था ये डेरिवेशन, तो एक्चुअली एक ही फॉर्म देखो, उन्होंने 2-3 तरीके से प्रूव किए आपके बुक, तो तुम देख लेना, आप कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला तो पहले कर चुके थे, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं, देख लेना सेम फॉर्मूले को 2-3 बार प्रूव किया, एक ही फॉर्मूले स्ट्रेट वायर वाले ऑलरेडी हम कर चुके थे, कल ही किया था। नाउ एक और होता है दैट इज सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है, जैसे यार लाइक सपोज कर लो कि कोई सिलिंड्रिकल कोर है, लुक हियर इट्स अ सिलिंड्रिकल कोर, ठीक है, इस तरह से मान लो कोई सिलिंड्रिकल कोर है, लुक हियर, तो सोलेनोइड कैसे होता है, इट्स लाइक दिस वे, इसमें हम लोग वायर को वाउंड कर देते हैं लाइक दिस,
लेट्स से इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं आर, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, तो सपोज कर लो कि इधर बन जाता है साउथ और इधर बन जाता है नॉर्थ, लेट्स से, और इधर बन जाता है नॉर्थ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम नॉर्थ पोल लाइक दिस वे, समझा ना, लाइक दिस, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्लियर। अच्छा ये ध्यान रखना कि बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, ठीक है, सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, ठीक है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे, सपोज कर लो ये वायर है लिया और जस्ट ये अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ जस्ट ये, तो सोलोनाइट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती ऑलमोस्ट वो यूनिफॉर्म रहती, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहती है, इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, इट्स लाइक दिस वे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहती है, आर यू गेटिंग, और इसका लेंथ सपोज कर लो एल ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग लेंथ एल ले लेते हैं इसका, ठीक है, तो इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ एक काम करो ना, डायग्राम कॉपी कर लो इसको, हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है, क्या आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, रह जाएगा अधूरा रह जाएगा, ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक काम करना कल फॉर्मुलेज याद करके आना, कल जो बचे हुए प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और संडे का डे याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, कल इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत दिन करो।